सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अयोध्या रोड चौड़ीकरण के एक और स्पेशल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग निकल चुके हैं टेढ़ी बाजार चौराहा से और आज हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर तक, वहां के चौराहे तक। आप लोगों को मैं पूरा अयोध्या में चौड़ीकरण का क्या कुछ स्टेटस है, कैसे रोड चौड़ी हो रही है, पूरा दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और ये जो टेढ़ी बाजार के आगे चलने पर जो रोड है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, इस वजह से यहाँ पर देखे जा रहा तोड़ फोड़ आपको देखने को मिल नहीं रही है। राइट साइड में हल्की फुल्की यहाँ पे स्कूल वगैरह था, अंदर हो चुका है। लेफ्ट साइड में देखिए जो घर वगैरह हैं ऑलरेडी काफ़ी अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे आगे साइड में जो कुछ शायद नाला बन रहा है, क्या बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बना है, ठीक है ना। तो इस पर इसके लिए गड्ढा खोदा गया, काफ़ी गहरा गड्ढा है और मैंने पास जाकर देखा अंदर सरिया वगैरह बिछा हुआ है और मसाला पड़ रहा है भाई RCC का, तो कुछ बन रहा है ये भी है, मतलब सीवर तरीके कुछ काम होगा, हो सकता है। और उस पर भाई इतना भयंकर गड्ढा है ना कि अगर गिर गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी, ऐसा सीन है, ठीक है। और यहाँ से मैंने कल नोटिस किया था, ये देखिए देखिए क्रेन दिख रही है, देखिए ये जो क्रेन देखिए आप लोग को लेफ्ट साइड में दिख रही है, ये राम मंदिर श्री राम मंदिर बन रहा है भाई, उसी की कंस्ट्रक्शन वर्क की क्रेन है। और मैं अभी आप लोग को शायद और आगे से और क्लियरली दिखा सकूँ, कोशिश करता हूँ और क्लियरली दिखाने का। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस जगह पे देखिए हल्का फुल्का लेफ्ट साइड में घर वगैरह टूटे हुए, येलो वाला घर देखिए एकदम कैसे टूटा हुआ है, आगे ये सब घर टूट के बन भी चुके हैं फिर से। और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को क्रेन दिखा पाऊँ, आई होप दिखा सकूँगा। दिख रही है? नहीं 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 दिख नहीं, पानी की टंकी के लेफ्ट साइड में शायद दिखे, इधर अभी आगे जाने पर वो देखिए भाई, वो देखिए क्रेन दिख रही है ना अंदर, एकदम काम बहुत तेज़ी में चल रहा है मंदिर निर्माण का, अच्छी बात है भाइयों। और हम लोग ये पहुंच चुके हैं श्रीराम हॉस्पिटल के पास में, इधर देखिए लेफ्ट साइड में कितना जितनी भी आगे दुकानें वगैरह थे तोड़ दी गई हैं। और ये यहाँ पे अभी येलो लाइट है यहाँ पे, वैसे इस समय आज कुछ भीड़ कम है, आज कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। इधर तो देखिए लेफ्ट साइड में कितनी तबाही मच रखी है, पूरा तोड़ फोड़ हो गई है। और राइट साइड में बिरला मंदिर, ये जो है ना बिरला धर्मशाला बिरला मंदिर जो भी आप बोलें, इसकी दीवारें देखिए नहीं बन रही, बाहर की बाउंड्री से तोड़ दी गई थी, अब इनकी बाउंड्री अंदर चली गई, यानी कि अभी और अंदर होकर के बना है। अब लगा कि यहाँ कुछ ट्रैफिक है, यहाँ पे जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री अंदर हो गई, देखिए आप लोग देख सकते हैं बिरला धर्मशाला की बाउंड्री अब अंदर हो गई है। और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक है इस एरिया में, यहाँ लेफ्ट साइड में पार्किंग बन चुकी है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। और ई रिक्शा काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है भाई, ई रिक्शा की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम भी होने लगा है, इतने ई रिक्शा हो गए मार्केट में कि जाम जाहिर सी बात है होगा ही होगा। और ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में दुकानें ऑलरेडी अंदर को हो चुकी हैं, पहले से दुकानें आगे को थी, नहीं ये सब दुकानें अंदर थी, ये सब दुकानें आगे थी जो बन रही है इधर, है ना, वो सब दुकानें ऑलरेडी अंदर थी तो वो सब बच गई भाई। और ये जगह पे, इस जगह पे भी रोड मतलब भर की चौड़ी है, मतलब भर की मेरे ख्याल से यहाँ पे चौड़ी है, इससे ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं मिली, बाकी जो होनी थी हो चुकी है, अब यहाँ पे तोड़फोड़ ज़्यादा हो नहीं रही है क्योंकि इधर काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, अब तोड़ तोड़ के बन भी चुके हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से रास्ता बंद है, अच्छा यहाँ से फोर व्हीलर की एंट्री बैन है, इसलिए यहाँ पे अंदर देखिए एकदम शांति है, यहाँ से सिर्फ टू व्हीलर की एंट्री हो पाई। और लेफ्ट साइड में देखिए दुकानें एकदम नई बन चुकी हैं टूट फूट के। और यहाँ पे भी जो मैंने बताया आप लोग को कोने में काम चल रहा है, नाला वाला कुछ बन रहा है। और हनुमानगढ़ी मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए आप लोग को दिखा होगा। तो इधर देखिए यहाँ पे अच्छे से एकदम सिक्योरिटी लगाई गई है कि कोई गिर ना जाए, क्योंकि नाला सच्ची में गहरा है और अंदर सरिया वगैरह पड़ा है, तो अगर गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस पहुँच गए इस ब्लॉग में, इतना ही, पसंद लाइक करिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।